वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आई एम केशव योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का 16 चैप्टर टेंसेज के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसके बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि टेंसेज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। और इन्हीं टेंसेज के जो पार्ट होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और हमारी जो मतलब कि हमें जो अध्ययन करना है वो करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, मीन्स यही हमारे कोर्सेज में, तो हमें इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और हमने ये भी पता किया था कि हमारी जो फॉर्म होती है, सॉरी वर्ब की जो फॉर्म होती है, ठीक है, वैसे तीन प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जो कि ये आपके अभी काम नहीं आएगी। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है, ठीक है। ये लर्न करने के लिए आपको दिया गया था, यदि आपने लर्न किया है तो टेंसेज को मतलब कि पढ़ने में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज हम पढ़ेंगे नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि टेंसेज को पढ़ने से पहले हमें नंबर के बारे में और पर्सन और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द टेंसेज प्रॉपरली, द नॉलेज ऑफ नंबर एंड पर्सन और सब्जेक्ट इज अनदर रिक्विजाइट, ठीक है। नंबर, नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, आई, ही, शी, इट, नेम, किसी का भी नाम हो, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई जानवर हो, ठीक है। सेकंड होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, मतलब दो व्यक्तियों का नाम आ गया हो, या फिर प्लूरल जैसे काउ का काउज हो गया, पेन का पेन्स हो गया, ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर हो गए। तो ध्यान रखना, नंबर, नंबर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब आते हैं पर्सन के बारे में, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री काइंड्स बेस्ड ऑन पर्सन, मतलब जो सभी सब्जेक्ट होते हैं वो तीन प्रकार के पर्सन के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आता है, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, आई यानी मैं, वी यानी हम, ठीक है। सेकेंड पर्सन में आता है यू, यू यानी तुम। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नेम, जो भी है ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आता है। ही, एच ई, ही यानी वह, जो कि मेल के यूज के लिए यूज किया जाता है। एस एच ई, शी यानी वह, जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट, इट यानी यह, जो कि किसी निर्जीव चीज़ के लिए यूज किया जाता है। दे, टी एच यू वाई, दे यानी वे, ठीक है, जो कि बहुवचन के रूप में कार्य काम करता है। नाम, किसी का भी नाम हो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और नंबर, इनके बारे में आप जानकारी मतलब कि इनको लर्न कर लीजिएगा। तो अब टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में देख लेते हैं कि वह कहाँ पर हम सिंगुलर के साथ में कौन कौन से आते हैं, सिंगुलर में मतलब कि सिंगुलर नंबर में कौन कौन से पर्सन आते हैं। तो सिंगुलर नंबर में देखो, फर्स्ट पर्सन में से आई आएगा, ठीक है, और थर्ड पर्सन में से आएगा ही, शी, इट और नेम, ठीक है। सिंगुलर नंबर प्लूरल में देखिएगा, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में दे, राम एंड श्याम, ठीक है, ये आएंगे, मतलब कि प्लूरल में जो भी प्लूरल वाली चीज़ें होंगी वो वहाँ पर मेंशन की जाएगी। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट जो टेंस है, द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, वैसे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वो आती है डू और डज, ठीक है, जहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इनके साथ डू का प्रयोग किया जाता है, सॉरी प्लूरल के साथ डू का और सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये जो मेन वर्ब दी रखी है ना ऊपर, ये फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ये दे रखी है, ठीक है, अराइज, अराइव, आस्क, बिगिन, ब्रिंग, ये फर्स्ट फॉर्म।
केवल वहाँ पर मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कब किया जाएगा मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट यदि आपका है तो इन दैट केस वहाँ पर मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि वहीं पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, वो हम समझेंगे आगे। देखिएगा एक बार, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हो कार्य करने वाला, ठीक है, डूअर, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। या फिर किसी पर्सन का नाम, सॉरी पर्सन का नाम आ गया, और या फिर वस्तु का नाम, वो हमारे किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस का प्रयोग करना है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही वहाँ पर मेंशन होगी। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, आई गो होम, यहाँ पर आई के साथ में गो का प्रयोग किया गया है। क्यों? आई किस में आता है? प्लूरल में। अब प्लूरल के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस, वी गो होम, हम घर जाते हैं, तो यहाँ पे वी के साथ में क्या है? फर्स्ट फॉर्म गो। यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के बेस पे हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? फर्स्ट फॉर्म का। थर्ड वाला देखिए, यू गो होम, अब यहाँ पे देखो यू क्या है? यू प्लूरल में आता है, तो प्लूरल के बेस पर हमने यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। इसी तरीके से अब देखिए फोर्थ वाला ही, एच ई, ही गोज होम, वह घर जाता है, तो एच ई के बाद में मैंने गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मैंने ई एस ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि एच ई ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? एस या ई एस का। लेकिन गो के बाद में हम एस का प्रयोग नहीं करते, गो के साथ में हम ई एस का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? ही गोज होम। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ वाला भी, शी गोज होम। इसी तरीके से किसी का नाम आ जाता है तो नाम के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राधा गोज, राधा के साथ में हमने गो का प्रयोग करके एस या ई एस का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि राधा क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, रूल चेक करके देख लीजिएगा, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ई एस। मैंने अभी आपको बताया, यदि थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए जहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस का प्रयोग करेंगे आप? वहाँ पर आपके पास में जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ये होते हैं, तो इन दैट केस वहाँ पर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और वहीं पर यदि आई, वी, यू, दे, यदि ये होंगे तो वहाँ पर केवल और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करोगे। रूल्स ऑफ एडिंग एस ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो आपको, आपने नंबर पढ़ा था, एक बार नंबर को चेक करके देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरे रूल्स बता दिए थे कि कहाँ पर हमें एस का प्रयोग करना है और कहाँ पर हम ई एस का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि किस वर्ब के आगे हम एस लगा सकते हैं और किस वर्ब के आगे ई एस ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इन रूल्स को वापस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बहुत ईजी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करेंगे, जहाँ पर डू का प्रयोग तो प्लूरल के लिए आएगा और डच का प्रयोग आएगा सिंगुलर के लिए। चेक करके देख लेते हैं, आई के साथ में हमने डू का प्रयोग किया है यहाँ पर, आई डू नॉट गो होम, तो आई के साथ मैंने किसका यूज किया है? डू का। क्यों? आई क्या है? प्लूरल। और डू क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि सेंटेंस मेरा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाएगा और नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हमारा जो पैटर्न होता है नेगेटिव सेंटेंस का, वो पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है?
डूडज जिसमें डू का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल के साथ और डच का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर के साथ में, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके बाद हम नॉट का यूज करके और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट गो होम, तो यहाँ पर आई के साथ में डू का प्रयोग किया है और डू के बाद मैंने नॉट का यूज किया है, ठीक है, क्योंकि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। सेकेंड वाला सेंटेंस देखिएगा, वी डू नॉट गो होम, ठीक है, यहाँ पर वी के साथ में डू का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि वी मेरा क्या है प्लूरल, अब प्लूरल के बाद में हम डू का प्रयोग करेंगे और साइक्रिया के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो। थर्ड वाला देखिए, ही डज नॉट गो होम, तो ही के बाद में मैंने डज का प्रयोग किया है, क्यों, ही मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद में हम डज का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर रहे थे उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ऐड कर देते हैं। पहले देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहा था, पहले सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, उसके बाद में क्या रहा था, उसके बाद में फिर मेन वर्ब आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा जो कि हमारी क्या है डूडच, और डूडच के बाद में फिर हम सब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को वैसे बनाएंगे जो कि हम पहले ऊपर बना चुके हैं, और उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, डू आई गो होम, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि डू यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि डू के बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या है आई, और आई क्या है प्लूरल, तो प्लूरल से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं डू का। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर मैंने डू पहले यूज किया और लास्ट में मैंने किसका प्रयोग किया क्वेश्चन मार्क का। तो जहाँ पर जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। सेकेंड वाला सेंटेंस भी सेम है, और थर्ड वाला देखिए, डज ही गो होम, तो यहाँ पर मैंने डज का प्रयोग किया, क्यों, डज के साथ आने वाला कौन सा सब्जेक्ट है ही, तो ही के हिसाब से मैंने डज का प्रयोग किया और उसके बाद में जो मेन वर्ब का प्रयोग किया है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब मुझे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरी हेल्पिंग वर्ब डच का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर डच के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया है मैंने। इसी तरीके से मेरा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि फर्स्ट वाला आई डू नॉट गो होम, अब इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको यदि मैं पहले ला के रख दूंगा और लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो वहाँ पर मेरा सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में मेरे ये बन चुके हैं, ठीक है, डू यू नॉट गो देयर, तो यू से पहले मैंने डू का प्रयोग कर दिया है और लास्ट में मैंने क्या किया है क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसलिए मेरा कहलाता है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले इंटरोगेटिव का यूज किया और उसके बाद में मैंने नॉट का भी यूज किया है, तो ये सेंटेंस मेरा कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर यस और नो से भी स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी बता देता हूँ आपको। डब्ल्यू एच के जो भी वर्ड होते हैं हमारे पास में, ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हुम, हु, ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं तो ये हम एक बार क्लास में आएंगे तब समझेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बिना बोर्ड के मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, सो प्लीज़ क्लास में आने के बाद मैं आपको डब्ल्यू एच समझा दूँगा, अभी आप इतना ही सीख लीजिएगा और उसके बाद में फिर हम अच्छे तरीके से जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना उसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज है और डू डज के बाद में सब्जेक्ट जो भी होगा उसका यूज किया जाएगा और उसके बाद में फिर नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके और जो भी ऑब्जेक्ट होगा ठीक है उसका प्रयोग करके और लास्ट में किसका प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो
एग्जाम्पल देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला डू यू नॉट गो देयर, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका प्रयोग किया है, डू का। डू का यूज क्यों किया है, यू के बेस पर, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल, और नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर नॉट आएगा, और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो लास्ट में पढ़ लेते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एक तो हैबिचुअल एक्शन, जो आदतन कार्य होते हैं ना, वहाँ पर एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। और रूटीन वर्क, जो रूटीन वर्क होते हैं ना, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस प्लीज़ उसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी फिर से हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू। और एक बार इसका एक्सरसाइज भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।